हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशा टॉक्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम इंफोसिस की तरफ से आई लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। इंफोसिस ने आप सभी को सर्वे मेल सेंड करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसी के बारे में आगे की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली दोस्तों, बहुत ही अच्छी न्यूज है आप सभी के लिए। बहुत सारे लोग डीमोटिवेटेड थे क्योंकि रिजेक्शन मेल आ रहे थे कल परसों में, 1 से 2 दिन पहले, तो बहुत लोग डीमोटिवेट थे एंड बहुत ज्यादा वेट भी करना पड़ा था। लेकिन ये अभी गुड न्यूज है आप सभी के लिए क्योंकि इंफोसिस ने सर्वे मेल सेंड करना स्टार्ट कर दिया है। तो सभी चीज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो सर्वे मेल तो आपको मिल गया है, लेकिन इसके बाद आपको ऑफर लेटर कब मिलने वाला है, सर्वे मेल का मतलब आपको कितना परसेंट चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, या इसके बाद भी आपको रिजेक्शन मेल मिल सकता है, उसके बारे में हम बात करने वाला है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है, फॉर विच रोल बैच एंड ब्रांच। तो कौन से रोल के लिए आ रहा है, कौन से बैच के लिए आ रहा है, कौन से ब्रांच के लिए आ रहा है, कौन सी डेट को एग्जाम हुई थी, वो कैंडिडेट्स को आ रहा है, सभी चीज हम आगे की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट पॉइंट आ जाता है, व्हाट अबाउट एसी रोल। तो एसी रोल के बारे में भी हम बात करने वाले कि एसी रोल का ऑफर लेटर क्या है, उसके बारे में क्या सीन चल रहा है, सभी चीज हम आगे की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके लिए मैं बहुत ज्यादा अच्छे से रिसर्च करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन बनाता हूँ, सभी चीजें आप इकट्ठा करके एक ही वीडियो में आपके लिए सभी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो डेफिनेटली मुझे भी मेहनत लगती है, आप लाइक कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए सर्वे मेल की, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इस तरह का आपको सर्वे मेल देखने मिल जाता है और आप यहाँ देख सकते हो इन्फोसिस लिमिटेड वर्चुअल ऑनबोर्डिंग सर्वे। तो एक चीज आप नोट कीजिए, यहाँ पर आपको वर्चुअल ऑनबोर्डिंग लिख के आ रहा है। वर्चुअल ऑनबोर्डिंग मतलब आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म है, आपको अभी किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 दिन में आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्चुअल ऑनबोर्डिंग सर्वे मतलब डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो गया है 100%, अब नो लुकिंग बैक। ठीक है, यहाँ से आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है, 2 से 3 दिन में ऑफर लेटर आ जाएगा एंड आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर सब कुछ मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आपके सर्वे मेल में वर्चुअल ऑनबोर्डिंग लिख के आता है, इसका मतलब आपका 100% गारंटीड सिलेक्शन हो चुका है। तो लास्ट नाइट मतलब कल शाम को बहुत लोगों को वर्चुअल ऑनबोर्डिंग सर्वे मेल आया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का मेल देखने मिल जाता है। डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग, वी होप यू एंड योर फैमिली आर सेफ। We are initiating our virtual onboarding process for freshers. We request you to provide with some vital system information. Kindly click here to update your details at the earliest. Please note, it is essential for you to update details on the link shared above for us to accelerate your virtual onboarding process. ठीक है, तो ये वर्चुअल ऑनबोर्डिंग का आपको मेल लिखने मिल जाता है और यहाँ पे क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने सर्वे मेल खुल जाता है। तो वो सर्वे मेल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि जॉब में आप जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो अगर आप आंसर कर देते हो उसके उसके बेसिस पे आपको आगे की प्रोसेस होती है। तो सर्वे मेल में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ देख सकते हो आप, क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद आपको अपने ईमेल आईडी ऐड करनी है, उस पर कन्फर्मेशन मेल आ रहा है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो ये ईमेल आईडी है, ये तो क्वेश्चन नहीं है बेसिकली। ठीक है, सर्वे मेल रिसीव्ड ऑन, तो ये पहले से ऐड रहता है। फिर आ जाता है आर यू विलिंग टू ज्वाइन इन्फोसिस, तो क्या आप इन्फोसिस ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरी कंपनी का ऑफर लेटर है तो आप यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आपको इन्फोसिस ही सिलेक्ट करना चाहिए। इन्फोसिस बेस्ट कंपनी है फ्रेशर्स के लिए भी एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी। बहुत ही अच्छा यहाँ पे वर्किंग एनवायरमेंट है, सैलरी पैकेज है, सभी सब कुछ सही है। तो डेफिनेटली आप इन्फोसिस में ट्राई कीजिए, अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है तो आप इसे रिजेक्ट मत कीजिए। आर यू विलिंग टू ज्वाइन इन्फोसिस, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। सेकंड आ जाता है, डू यू हैव अ लैपटॉप डेस्कटॉप विद 8 GB रैम, अ वेबकैम, अ माइक्रोफोन एंड अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन टू स्ट्रीम वीडियो स्मूथली। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पूछा गया कि आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है क्या, उसमें 8 GB रैम है क्या, वेबकैम है क्या, माइक्रोफोन है क्या। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको यस करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो भी यस करना है, लैपटॉप नहीं है तो भी यस करना है। यहाँ पे वैसे नो करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप यस करते हो तो जो भी आगे के प्रोसेस है, स्टेप्स है, वो जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। अगर आप नो करते हो तो हो सकता है कि डिले हो जाए। ठीक है, आपके पास अगर लैपटॉप डेस्कटॉप है लेकिन 8 GB का रैम नहीं है तो आप उसे अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास 4 GB है, 3 GB है, तो 8 GB रैम अपग्रेड कर सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है, 1000-2000 रुपए में अपग्रेड हो जाता है। फिर आपके अगर वेबकैम वर्किंग नहीं कर रहा है तो आप वेबकैम सिंपली अमेजोन से या कहीं से भी बाय कर सकते हो, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। और माइक्रोफोन तो ऑब्वियसली सभी के पास होगा, और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन मतलब इनका मतलब है वाईफाई। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके घर पे वाईफाई ना हो, जो कि डाटा मोबाइल डाटा से हॉटस्पॉट लेके यूज करते, तो भी आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर बाद में आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद आप वाईफाई लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 से 4 हजार में आपका वाईफाई बिल सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल आपको 5 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो Have you completed your exam? तो आपने अपना एग्जाम कंप्लीट किया है या नहीं किया है।
तो अगर आप 2021 पास आउट बैच से होंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम हो चुके हैं एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम नहीं हुए। तो यहाँ पे आपको येस या नो सिलेक्ट करना है। आप यस भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप यस करते हो तो हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए बहुत जल्दी से जल्दी। सिलेक्शन तो हो ही चुका है लेकिन प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाए। नो भी करते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे सर्वे मेल में, तो इस तरह से आप सर्वे मेल फिलअप कर सकते हो। अब ओएल की बात कर ली जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया 2 से 3 दिन में आपको ऑफर लेटर देखने मिल जाएगा जिसका भी सर्वे मेल फिलअप किया है। अब बात कर ली जाए फॉर विच रोल बैच एंड ब्रांच, तो ये जो सर्वे मेल रिसीव हुआ है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल के लिए सर्वे मेल रिसीव हुआ है, एंड बैच की बात कर ली जाए तो सभी बैच को हुआ है 2019, 2021, लेकिन मैक्सिमम 2021 पास आउट बैच को ये सर्वे मेल देखने मिला है। ब्रांच की बात कर ली जाए तो ब्रांच का कोई भी क्राइटेरिया नहीं, सभी ब्रांच के कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर ये जो सर्वे मेल है वो देखने मिला है, लेकिन ओई रोल को मिला है और सिस्टम इंजीनियर रोल को अभी तक के नहीं मिला है। अब बात कर ली जाए व्हाट अबाउट एसी रोल ओएल, ठीक है, तो एसी रोल कैंडिडेट्स है उन्हें ओएल कब आने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो रिजेक्शन मिला था, ये तो एक पार्ट है। जैसे आप देखो आप कुछ भी करते हो तो उसके दो 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है कि या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे, ठीक है। तो अगर आप अगर फेल होते हो आपको रिजेक्शन मेल मिल जाएगा, या तो अगर आप पास होते हो तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। तो रिजेक्शन मेल भी भेज रही है इन्फोसिस, ऑफर लेटर भी भेज रही है, तो या तो आपको रिजेक्शन मिलेगा या तो ऑफर लेटर मिलेगा, लेकिन हाई चांसेस है कि आपको ऑफर लेटर मिल जाए। तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, जैसे कि हमने मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही आपको रिजेक्शन मेल मिलता है आपको इन द सेंस मतलब किसी को भी रिजेक्शन मेल मिलता है उससे 2 से 3 दिन के बाद इन्फोसिस ऑफर लेटर भेज देती है। जैसे 2 दिन परसों ही इन्फोसिस ने रिजेक्शन मेल भेजे थे कैंडिडेट्स को, एंड जिसको फिर रिजेक्शन हो गया था फिर उसके जो अलावा जो बाकी कैंडिडेट्स बचे थे उनको भी ऑफर लेटर देखने मिल गया। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही जो कि मैं आपको बोलने बता रहा हूँ दोस्तों। तो अगर रिजेक्शन मेल भेजती है तो उसके 1 से 2 दिन बाद इन्फोसिस ऑफर लेटर भी भेजती है। तो ये जो प्रोसेस है वो चालू है, आप शुरू है, स्टॉप नहीं हुई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड मैं आपको बता दूं ये जो सर्वे मेल मिला है मैक्सिमम 13 जून को जिसने एग्जाम दी थी वो कैंडिडेट्स को यहाँ पे सर्वे मेल देखने मिल जाता है। 16 मई के जो कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट्स है जिनको 16 मई वाले कैंडिडेट जिनको कल सर्वे मेल देखने मिला है। मैक्सिमम जिनकी एग्जाम 13 जून को हुई थी उन्हें ही सर्वे मेल देखने मिला है। ऐसे रोल को भी जल्दी से जल्दी देखने मिल जाएगा, सिंपली आपको पेशेंस रखनी है, प्रोसेस शुरू है, जैसे उन्हें रिक्वायरमेंट होंगी आपको आपको हायरिंग के लिए मेल भेज देंगे, एंड अगर आप सुटेबल नहीं होंगे तो आपको रिजेक्शन मेल भेज देंगे। तो जो भी है इन्फोसिस आपको जल्दी से जल्दी बता देंगी। इन्फोसिस ने सिंपली अभी अभी आपको होल्ड करके रखा है, एंड जैसे उन्हें रिक्वायरमेंट रहेगी दे विल कम्युनिकेट टू यू एंड दे विल हायर यू सून। ओके, आई होप आपको सभी चीजें समझ में आई हो जो भी मैंने वीडियो में बताया है। डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ होगा, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड। एंड आपके जो भी कैंडिडेट्स है जो जिन्होंने भी इन्फोसिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। Thanks for watching.